Hello, good morning everyone. Welcome to my channel. So there are still 9 minutes to go. I'm always before time. So that's my habit, and you know, that's why I log in earlier. So welcome to my channel, Sangeeta Healing Temples, folks. And this session is going to be about tarot reading. Let me tell you something about tarot reading. Tarot reading has been an ancient science from Egypt. Its origin is not confirmed, but there have been fortune tellers, gypsies, who used to roam around freely in the city of, you know, Egyptian cities, and they used to do fortune telling for people. Some of the people do it with crystal balls, and some do it with tarot cards. So what is tarot cards? Tarot cards is a deck of cards. You know, everybody has seen playing cards. So deck of cards, which has 78 cards. So these 78 cards pertain to various aspects of your life. So a person has 4 major aspects of life. One is finance, work, relationship, and then, you know, your communication. So jaise ki aap sab jante ho, normal playing cards mein bhi chidi, mere ko itna yaad nahi hai, chidi wagaira hota hai, paan chidi, aur hindi mein kya kya bolte hain, wo sab hota hai. To 4 tarah ke ki hote hain. To wo charo jo hai hamare jeevan ki 4 major issues ko रिप्रेजेंट करते हैं. तो हर किसी को रिलेशनशिप्स चाहिए, मनी चाहिए, काम चाहिए, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहती हैं. कभी एक एरिया अच्छा होता है तो दूसरे एरिया में प्रॉब्लम होती है, कभी दूसरा एरिया अच्छा होता है तो एक में प्रॉब्लम हो जाती है. तो ये सब चलता रहता है. तो हम लोग जो है देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इस एरिया में, अपने को कैसे बेटर कर सकते हैं, और कौन सा एरिया हमारा अभी क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. और हमारे को टैरो से गाइडेंस मिलती है, डिवाइन गाइडेंस मिलती है कि ये जो है टैरो जो है कैसे काम करें. तो ये टैरो का थोड़ा सा बैकग्राउंड था. तो टैरो में कौन सा अच्छा, सबसे अच्छा टैरो है, तो एक इस पर चर्चा कर लेते हैं. टैरो कार्ड्स में सबसे अच्छा होता है राइडर वेट, जो सबसे पुराना और ऑथेंटिक आज की तारीख में, ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुराना है. 20th century में या 30s में लगभग ये राइडर वेट निकाला गया था. तो इसका रिप्रेजेंटेशन मुझे सबसे ऑथेंटिक लगता है. आजकल लोगों ने अपने पर्सनल टैरो कार्ड रिप्रेजेंटेशन करना शुरू कर दिए, लोगों ने नए नए नाम रख लिए, बट एक्चुअली में वो सारे के सारे वही लगभग इमेजेस यूज़ करते हैं. बट जो राइडर वेट की जो इमेजेस हैं वो मोस्ट ऑथेंटिक इमेजेस हैं, और उन पे जब हम काम करते हैं, उनको जब हम पिक करते हैं, तो उसके आंसर्स बहुत ऑथेंटिक आते हैं. बहुत सारे लोगों ने अपने कार्ड्स भी पब्लिश करने शुरू कर दिए हैं, जो आप भी कोई भी कर सकता है. कोई भी जो पब्लिशिंग वगैरह है तो वो भी कर सकता है, बट इनमें कुछ अलग एनर्जी होती है. और टैरो कार्ड जो राइडर वेट के हैं, इनकी एक उस व्यक्ति ने या तो मेडिटेशन के थ्रू या कैसे कुछ खास एनर्जी अपने इन कार्ड्स में डाली है. तो मैंने अपने अनुभव से पिछले, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं पिछले 20-25 साल से टैरो रीडिंग कर रही हूँ, और बहुत मज़ा आता है लोगों को गाइड करने में उनकी डिफरेंट इश्यूज पे. बट मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो एक आपके लिए गाइडेंस है. इसको एब्सोल्यूट ट्रुथ मत लीजिए, क्योंकि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है टैरो कार्ड उसी को रिफ्लेक्ट करता है. तो ये आपके अचेतन मन से निकल के आती हैं इमेजेस, और जो आपकी लाइफ में लाइफ चल रहा होता है तो उसको वो जो है रिप्रेजेंट करती हैं. तो टैरो कार्ड जो है आपके लिए काम करते हैं एज
एज अ टूल, तो इसको टूल ही समझिए, क्योंकि इंसान के पास एक पावर है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे काम कर सकता है, अपनी डेस्टिनेशन को बदल सकता है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव स्ट्रीम. ये शॉर्ट थी. तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. टाटा बाय बाय. पर्सनल सेशंस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9811114224249.